दिस इज पार्ट टू। इतनी गर्म हवा आ रही है ना, जी करे अभी बस नीचे जाने का आलस है, वरना मैं ये एसी बंद करवा के आऊँ अभी। हद है, ये देखो यहीं पे आए ना, बिल्कुल गर्म हवा फेंक रहा है। अभी रुको, मम्मी को चलो मर्ड के पास चलते हैं, फोकस कर। हाँ तो मैं इसको बना के गई थी, इसको यहाँ देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। चलो मर्ड का तो जितनी बार नाम निशान आए उतनी बार बेचारे का मिट जाता है। जेसी का पार्ट था ना, ये भी देखते हैं करके। ठीक है ना, कितनी सैंड चढ़ी हुई है, पानी में इतनी सैंड थी। और मैं जबकि आराम आराम से ना ऊपर ऊपर वाला पानी यूज़ करती हूँ। आज मिलेंगे आपको भर भर के ब्लॉग्स, ठीक है, एक पुराना और नया मिक्स और बाकी सारे। देखो इतनी जल्दी सोक करती है मर्ड। अच्छा आई एम थिंकिंग टू मेकिंग रेड और ग्रे मर्ड, ग्रे मर्ड क्योंकि मेरे पास छोटी थोड़ी सी है, बहुत बढ़िया है। मैंने क्रम्बलिंग करी थी उसकी दोपहर में जब मैं आई थी, फ़ोन तो इतना हीट हो रहा था बाहर तो मैं उसको अंदर ही रखा ही क्योंकि बादल छाए हुए थे, पर टेम्परेचर तो वही था। यार मेरा तो मर्ड क्रम्बलिंग करने का बहुत दिल कर रहा है। अच्छा मैं इसको मिक्स करने लग रही हूँ क्योंकि ना फिर इसकी क्रम्बलिंग के लिए अलग से एफर्ट करने पड़ते हैं। बहुत सॉफ्ट है भाई ये मर्ड, ये तो चलो बैठता है। ऐसे करा मैंने सारा ही टूट गया वो। चलो छोड़ो, मैं तो मिक्स कर दिया, अब आगे पता नहीं क्या होगा। मैं सोचा था इसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, पर कहाँ भाई कहाँ, छोटे छोटे शेप्स में भी डाल के रखूंगी इसको। ओह कैमरा एंगल खराब था। मैं सोचिए कुछ चंक्स रख दूं, पर मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं कुछ भी छोड़ूं, इसलिए ये भी तो टेक्सचर है, इसका भी कलर आ रहा है। और कुछ टेक्सचर का जिसका ब्राइट आना चाहिए उसका ब्राइट नहीं आता है, और ये कुछ ज़्यादा ही ब्राइट आ रहा है, आप लोगों को वाइट लग रहा होगा पर इसका एकदम मुल्तानी मिट्टी का जैसा कलर है। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है, एकदम से मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि
क्या इसमें चमत्कार हुआ। मैं कहा मैंने कुछ गलती से कुछ गलत ऐड कर दिया हो और वो सही निकल गया हो। ना जी ना, हाँ एक्स्ट्रा सीमेंट ऐड कर दिया था, वो भी बिल्कुल मतलब इसके इसमें तो बिल्कुल कुछ ऐड नहीं करा था, बस वो उसमें करा था ग्रे डॉट में। ब्लैक डॉट तो मैं पक्का बनाऊंगी, मुझे याद दिलाते रहना इफ़ मैं भूल जाऊँ। जैसे मैं आपको एक दिन न्यूज़ दे दूँगी कि गाइज मेरे पेपर ख़त्म हो गया या कोई भी स्पेशल वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे वो आ जाए और मैं भूल जाऊँ ग्रे डॉट बनाना, तो जितने भी मेरे प्यारे लोयल सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, मैं उनके नाम नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे हैं, और जो जो भी हैं वो प्रूफ करेंगे कैसे कैसे मुझे याद दिला के कि अंशु आपने वो ग्रे डॉट बनानी थी, ब्लैक डॉट बनानी थी, ठीक है। फिर मैं अब बना दूँगी, अब इसमें और पानी डालना पड़ेगा। अच्छा मैं ना इसका भी सैंपल करके देखूँगी, क्योंकि सैंपल सही निकल गया तो मीन सब कुछ सही निकल गया, ठीक है। किसका? येलो सैंड का। थोड़ी सी सैंड ले लूँगी प्योर, और ये सैंड ये दे लूँगी। इसका तोड़ने का मन कर रहा है, एकदम बिल्कुल पिज्ज़ा के स्लाइस कटी हैं ऐसे लग रहे हैं। पहले उनको लो, दिखा दी इसने अपनी औकात। भाई ये क्यों हुआ इसके साथ? मैं सीमेंट देखती हूँ मेरे पास कितना पड़ा है, इसमें सीमेंट ऐड करके ना शेप्स बना के रखती हूँ। कितनी वेस्ट हुई है, इस गिलास के अंदर भी लगी हुई है। थोड़ा इसको पीछे करते हैं ना, जगह बनाते हैं, अभी भी लगी हुई है इसके अंदर। ये तो ग्रिटी सैंड बन, ग्रिटी मड डॉट बन जाएगी। वो कितनी बढ़िया बनी है, पता नहीं क्या इनमें कभी कोई सुधरती है कभी कोई ख़राब। और जो छोटी शेप्स थी ना, हाँ गाइस छोटी शेप्स अच्छी निकल रही हैं, बहुत अच्छी निकल रही हैं। और पर जो ये बड़ी शेप्स हैं ना, ये पता नहीं क्यों इनमें। अच्छा हाँ, मेरे को लगता है कि क्या हो रहा है, मैंने लिक्विड, हाँ इसमें लिक्विड बैठ गया था नीचे बहुत ज़्यादा, तो ये लिक्विड वाली है। पर लिक्विड के इतना ज़्यादा लिक्विड था उसमें, मतलब हार्डनेस वाला कह रही हूँ, पर फिर भी देखो थोड़ी तो सॉफ्ट बनी है, क्रम्बल लाइक तो हो रही है ना। तो उसमें लिक्विड में कैसे करना होता है, जो लिक्विड ज़्यादा होता है उसमें और पानी अच्छे से डाल के मिक्स करो, अच्छे से मिक्स करो। अच्छे से मिक्स नहीं करोगे ना तो वो अच्छे से मिक्स होगा नहीं, और वो पानी ऊपर ऊपर आ जाएगा जैसे आ जाता है, और वो इवेपोरेट हो जाएगा और मड को सॉफ्ट नहीं बनने देगा, मड हार्ड की हार्ड रह जाएगी। तो मैंने इसमें यही करा था, मेरे को लग रहा है इसलिए हो रहा है, पता नहीं मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों ये सॉफ्ट हुई है क्यों ये हार्ड हो गई है। हाँ हार्ड होने का रीज़न मैंने आपको बता दिया और वो ही रीज़न है, पर वो सॉफ्ट क्यों हुई पता नहीं, क्या पता मैं इतना उसको कह दूँ और वो अभी बिल्कुल पत्थर बन के आ जाए। ये नहीं क्रम्बल हो रहा, हार्डनेस। मैं तो सिर में जा रही है सारी धूल, अच्छा मेरी जैसी कोई और भी है वो कह रही है मैं सेम सिचुएशन विद मी। मैंने सोचा पोस्ट कर दूं, क्या पता कोई, क्योंकि बहुत लोग वेट करते रहते हैं ना, सो उनके लिए। इतनी देर से क्रम नहीं करी, 5 मिनट का एक ब्लॉग बना है। चलो क्लीनिंग करूं क्या थोड़ी बहुत, या पानी भरूं? मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, पानी भरते हैं पहले। पहले मैं बता दूं मैं क्या करूंगी, देखो पानी भरते हैं पहले, और जो टब में गंदा पानी है उसको निकाल के इसमें रख लूँ ताकि वो क्लीनिंग में यूज़ हो जाए, ठीक है बाय। और उसके बाद मैं देखती हूँ मैं क्या करूँगी, फिर मैं आपको बता दूँगी।